हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जेट लैब टेक टिप्स। मैं हूं रजत द्विवेदी फ्रॉम जेट लैब टेक्नोलॉजीज। तो गाइस, आज हमारे स्टोर पर एक पीसी बिल्ड हुआ है जिसकी वैल्यू है अंडर 65,000 रुपीज, और ये पीसी बिल्ड किया है अमित जी ने, जो कि स्पेशली दिल्ली से ही आए हैं हमारे स्टोर पर पीसी बिल्ड कराने के लिए। तो अब क्या क्या कंपोनेंट्स कवर हुए हैं इस पीसी बिल्ड में और क्या किस पर्पस के लिए यूज होने वाला है, सबके बारे में बात करें, लेकिन इस छोटे से इंट्रो के बाद। गाइस, आप लोग भी अगर कुछ अपने लिए कुछ ऐसा सा पीसी बिल्ड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर जाइए jetlabtechnologies.com पर, अपने हिसाब से कोई भी कस्टम पीसी बिल्ड कंपोनेंट चूज कर अपने लिए एक बेहतरीन सा ड्रीम पीसी बिल्ड कर सकते हो। अगर पीसी बिल्ड नहीं भी करना है तो हमारी वेबसाइट पर सारे कंपोनेंट्स इंडिविजुअली लिस्टेड हैं। आप अपनी नीड के हिसाब से इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को भी ऑर्डर कर अपने लोकेशन तक डिलीवर करवा सकते हो। आपके ऑर्डर करने के एक ही हफ्ते के अंदर आपके प्रोडक्ट्स डिलीवर हो जाएंगे। इसके अलावा हमारे फिजिकल स्टोर नेहरू प्लेस में भी आ सकते हो, जहां पर हम सभी के सभी पीसी बिल्ड्स आपकी आंखों के सामने करेंगे। आप चाहें तो आप खुद भी पीसी बिल्ड करके हमारे यहां पर अपना एक पीसी बिल्ड का एक्सपीरियंस ले सकते हो। So log into jetlabtechnologies.com right now. So guys, talking about the components under 65,000, अगर मैं exactly बात कर लूँ, 64,150 रुपीस का ये build है, जिसमें हम लोगों ने यूज किया है इंटेल का i5-13500 प्रोसेसर। एंड इससे पहले कि मैं आपको इसके बारे में बताऊं, आप ये चेकआउट कर लेना कि हमने इसकी बहुत सारी पीसी बिल्ड वीडियोस अपनी चैनल के ऊपर डाल रखी हैं। और ये जो पीसी बिल्ड है गाइस, इट इज द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी पीसी बिल्ड। अगर आप एक गेमर हो, आप एक एडिटर हो, या फिर आपको स्ट्रीमिंग भी करनी है, तो आप एक ये वाला पीसी बिल्ड जरूर बनवा सकते हो। फिलहाल के लिए इसमें किसी भी तरह कोई ग्राफिक कार्ड नहीं है, बट फ्यूचर में ग्राफिक कार्ड ऐड हो उसी हिसाब से सारे कंपोनेंट्स लगाए गए हैं। अब इसमें जो हम लोगों ने मदरबोर्ड यूज किया है वो है गीगाबाइट का B760M DS3H AX DDR5 वेरिएंट। मतलब कि वाईफाई ब्लूटूथ तो है ही, बट इसमें DDR5 रैम कंपैटिबल हो सकती है। अब रैम की बात अगर चल रही है तो टोटल 32GB रैम इसमें यूज हुई है, क्लॉक्ड एट 6000 मेगाहर्ट्ज। ये है T4s की वल्कन Z, 16GB की दो स्टिक्स हैं, 6000 मेगाहर्ट्ज पर क्लॉक्ड। जी हाँ गाइस, मैं 65,000 के अंडर के बिल्ड की बात कर रहा हूँ, और इसमें 6000 मेगाहर्ट्ज की टोटल 32GB रैम लगी है। सो यू कैन नाउ नो कि DDR5 रैम्स एक्चुअली में कितनी सस्ती हो गई हैं। एंड अगर मैं इस पर्टिकुलर एक स्टिक की बात कर लूँ तो अराउंड 5100 रुपीज की ये एक स्टिक है, जो कि 6000 मेगाहर्ट्ज की स्पीड देती है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट सीरियस एंड ब्लेजिंग स्पीड्स ओवर हेयर। एंड स्पीड की बात चली रही है तो SSD के बारे में भी क्यों कंजूसी करें। यहाँ पर हम लोगों ने राइट नाउ वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट एंड द वैल्यू फॉर मनी SSDs यूज की है, XPG की तरफ से आने वाली उनकी S70 ब्लेड, जो कि 1TB वेरिएंट हम लोगों ने यूज किया है। एंड ये जो SSD है, ये 7000 मेगाबाइट्स पर सेकंड की रीड एंड राइट स्पीड्स दे सकती है। सो स्पीड के मामले में, चाहे ग्राफिक कार्ड नहीं लग रहा है इस बिल्ड में, बट स्पीड का पूरा ख्याल रखा गया है। किसी भी तरह से स्पीड के अंदर कोई भी कंजूसी नहीं करी गई है। एंड कल को जब ग्राफिक कार्ड लग जाएगा तो फिर तो कोई जवाब ही नहीं रहेगा इस पूरे पीसी का। आप कोई भी किसी भी टाइप का टास्क इस पीसी में कर सकते हो। अब गाइस, जो प्रोसेसर है दैट इज एक्चुअली 14-कोर प्रोसेसर, दैट मींस कि दिस इज अ वेरी हॉट रनिंग प्रोसेसर। इन आइडियल सिनेरियोस इसमें एक स्टॉक कूलर आता है, आप अगर चाहें तो स्टॉक कूलर के साथ भी लगा सकते हैं, बट वो गलत होगा क्योंकि 14 कोर को एक इंटेल के स्टॉक कूलर के साथ चलाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। आपका पीसी जल सकता है, आपकी परफॉर्मेंसेज नहीं निकलेंगी। एंड दिल्ली वाले टेम्परेचर्स में, जहां पर 40-45 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है, स्टॉक कूलर के ऊपर निर्भर रहना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। तो उस बेवकूफ़ी को ना करते हुए हम लोग यहां पर लगा रहे हैं डीप कूल का AK400 एयर कूलर, जो कि एक आफ्टर मार्केट एयर कूलर है, एंड इस प्रोसेसर को काफ़ी हद तक कंट्रोल में रख सकता है। टेस्टिंग हम लोगों ने कर ली है, टेम्परेचर्स भी काफ़ी अंडर कंट्रोल थे, तो इस वजह से एक आफ्टर मार्केट एयर कूलर तो इस प्रोसेसर के साथ जरूर से मैं रिकमेंड करूंगा। चाहे आपका बजट कितना भी हो, चाहे आप किसी भी चीज़ में कट डाउन कर लेना भाई अपना बजट के अंदर लाने के लिए, बट एयर कूलर जरूर लगा लेना, ये मेरी फुल रिकमेंडेशन है। अब गाइस, आइडियली सिनेरियो में एक 450 वाट की अगर आप ये प्रोसेसर लगा रहे हो, सिर्फ एक पावर सप्लाई काफ़ी होती है। बट क्योंकि फ्यूचर में एक 3060 Ti या 4060 लेवल का ग्राफिक कार्ड लग सकता है इस प्रोसेसर के साथ, तो इसीलिए 650 वाट की एनटेक की CSK650 ब्रॉन्ज रेड पावर सप्लाई यूज़ हो रही है इस पूरे पीसी बिल्ड के साथ, जिसमें कि कल को एक अच्छा खासा 250 वाट का या 300 वाट तक का एक ग्राफिक कार्ड ऐड हो सके। इसी के साथ गाइज, हम लोगों ने एक कैबिनेट भी ऐसी चूज करी है जिसमें एक ग्राफिक कार्ड की क्लियरेंसेज हो, प्लस हमारा एयर कूलर भी अच्छा खासा क्लियर रहे, ज़्यादा बाहर ना है, एंड प्लस बजट के अंदर ARGB फंक्शनलिटीज हो एंड एयर फ्लो की भी कोई कमी ना हो। मतलब इतनी सब कुछ चीजें अगर आपको एक कैबिनेट में चाहिए और आपका बजट सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपए है सिर्फ कैबिनेट के ऊपर खर्च करने के लिए, तो यहां पर आती है सर्कल गेमिंग की एलिगेंटर X1,
ये जो कैबिनेट है ये कुछ भी चल सकता है इसमें। इसमें आप चाहो तो एक 240 कूलर टॉप पे लगा सकते हो। ARGB फंक्शनलिटीज है, चार पंखे हैं, तीन इन द फ्रंट वन इन द बैक, बटन दे रखा है भाई, बटन दबा के सब कुछ आप चेंज कर सकते हो। तो चाहे मतलब आपके बजट कम है बट क्वालिटी से, फीचर्स से एंड क्लियरेंसेस से कुछ भी किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं है। सो ओवरऑल पीसी बिल्ड वैल्यू इज 64,000 रुपीज, जिसमें हम लोगों ने ये सारे कंपोनेंट्स यूज करे हैं। अगर आप लोग चाहें तो आप ऐसा पीसी बिल्ड कर सकते हो, हमारी वेबसाइट पर जाकर पूरा सब कुछ आपको मिल जाएगा, अपने हिसाब से सभी कंपोनेंट सेलेक्ट कर पीसी बिल्ड ऑर्डर कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच गाइज यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मैं रजत द्विवेदी फ्रॉम जेट लैब टेक्नोलॉजीज, मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो।